शासनिस परमात्मा, प्रभु महावीर के पावन श्री चरणों में कोटि शह वंदना। परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री के पावन श्री चरणों में अनंत अनंत वंदना। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं तथा मेरे माताओं, प्रातःकालीन धर्म सभा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के यह अंतिम देशना श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र की वाचनालाप आप सभी प्राप्त कर रहे हैं। हम उत्तराध्ययन सूत्र में सहर्ष प्रवेश करें उससे पूर्व भगवान महावीर की यह स्तुति हम सभी सस्वर इसका गान करेंगे। पुछे सुनम सामणा महणाय अगारिनोया परते किराय से के इणे गंत ही दम्हमाहो अणे निसम सामु समे किराय कहम चनानं कहदं सनं से हम नाय सुयस्यासि जाना सिणम भेखु जात हेणम आहा स्वयं बोहि जहानि संतम के यन्नहे से कुसले महे से अनंत नाणि अनंत दंसे जसं सिणो चक्षु पहेत्यस जानाहि धम्मं च धीं च पेहि उड्ढं अहेयं तेयं दिशासु तसाय जेथावरधेय पाणा सेणिच्च निच्चेहि समेत पन्ने देवेव धम्मं समयम दाहो से सवदन से अभिभूयणे राम गंधे धीमं धियप्पा अणोत्तरे सव जगन से वेजं गंथा अतीते अभय अणाओ से भूय पंडे अणिये अचारे ओहंतरे धीरे अनंत चखो अणोत्तरे तपई सूर्येवा वैरोयणिं देवतमं पगासे अणोत्तरं धम्ममिणं जिणाणं णेया मुनिकासवासुपन्ने इन्देव देवान् सिठे से पन्नया खय साय रेवा महोदयवा वे अनंत पारे अणाई लेवा कसाई मुके सके वदेवा हिवै जुईमं से वीरेण परिपुण्य वीरिये सुदनं सणेवाणवसेठे सुरालयवासि मुदागरे से विरायणे गुणोभवे स्वयं सहसाण उजोयणानं तिक
कंदगे पंडगे जयंते से जो यणेन नयि सहसे उद्दूषितो हेठ सहस मेघं पुठेण वेचेठय भूमि वठिये जं सूर्या अणु पर्यटयन्ति सेम वन्ने बहुनन्दनीय जं सिंहरनि वेदयन्ति महिंदा से पौवै सद महपगासे विरायै कञ्चन मठ वन्ने अणोत्तरे गिरि सोय पाव दुग्गे गिरि वरे से जलिये भूमि मही मध्यम मिठेण गंदे पन्नायते सूर्य सोधले से एवं श्री उस भूरि वन्ने मनोरमे जो अक्षिमाले सुदन सणसे वजसो गिरिस पवुचै महतो पवयस एतो वमे समणिनाय पुत्ते जाए जसो दंसन नान सिले गिरीवरे वा निसहाय यान रुये वसेठे वरयाय तान तवो वमे से जग भूई पन्ने मुनीन मध्ये तमुदाहु पन्ने अनुत्तरं धम्ममुईरैता अनुत्तरं जानवरं धियाई सुसोक सोकं अपगंत सोकं संकिन्दुए गंत वदात सोकं अनुत्तरगं परमं महेशे अशेषकम्मं सर्वशोभिता सिद्धिं गते साई मनन्त पत्ते नाणेन शिरेण यदंशनेन रुखे सुनाहे जसामलेवा जन सिंहरति वेदयन्ते सुवन्ना वणे सुवानन्दन माहु सेठा नाणे शिलेणय भूय पन्ने धनियं वसदान मनोतरे चंदो अवतारान महानुभावे गंधे सुवाचंदन माहु सेठा एवं मुहिनम अपने नमाहु जहा स्वयंभु उदहीन सेठे नागे सुवाधारण माहु सेठे खो दैवार सवे जयंते तवो वहाने मुनि वे जयंते हथी सुएरा वन माहुनाए सिहो मियानं सलिलान गंगा पक्षी सुआगरो लिवे जोहे सुनाए जह वेश सेने पुखे सुवा जहर अरविंद माहु हतीन सेठे जह दंत वके इसीन सेठे तह वध माने दानान सेठा अभय प्रयाण सचे सुवान वज्जं वयन्ति तवे सुवा उत्तम बंध चेरं योगोत्त
ने समणिना पुते ठीण सेठा लव सतमा सभा सुहमाव सभान सेठा निवान सेठा जैसा धम्मा नाय पुता परमात्नानी पुढ़ो में धुनै विगाय गे ने सन्ने को आसुपन्ने तरियों समुद्धं च महाभोगं अभयं करे चखु को हम च मानं चतैव मायं लोभं च उत्थं च अजत दोषा एयानिवन्ता अर्हा महेशे नृपुवै पावनकारे क्रिया क्रियं विनियानुवायाय अन्नानियानं पर्यच्छथानं शेषवायं इमेता उवर्थिये संयमदेहरायं सेवायाय इत्थिसराय भक्तं आरम्परं च सर्वं बहुवार्य सर्ववारं शोचाय धम्मं अरिहन्त भाष्यं समाह्यं अत्त्वदो वशुद्धं तं सद्यहाणाय जनाणौ इन्देव देवा उत्तरा ध्यान सूत्र का नवा अध्ययन नमी प्रवर्ज्य पृष्ठ संख्या 38 नमी प्रवर्ज्या अर्थात नमी की दीक्षा। मिथिलाधिपति नमी एक बार दाहा ज्वर से बुखार से पीड़ित हो गए। दाहा ज्वर का मतलब होता है शरीर को जलाने वाला, शरीर में जलन पैदा करने वाला बुखार। ऐसा तेज बुखार जब हुआ तो वैद्यों ने कहा कि अगर आप चंदन का लेप लगाएंगे तो ये बुखार क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो जैसे ही वैद्य ने उपाय बताया तो मिथिलाधिपति की 1000 रानियां थीं, तो उनमें से बहुत सारी रानियां उनके कमरे के बाहर कि चलो हम अपने पति के लिए खुद ही क्या करेंगे, चंदन घिसेंगे, आज वो बीमार हैं तो चलो हम चंदन घिसती हैं। तो वो कमरे के बाहर, जिस कमरे में वो विश्राम कर रहे थे, वहीं बाहर दालान में उन सब ने चंदन घिसना शुरू कर दिया। अब वो चंदन घिसते समय उनकी चूड़ियां, कंगन और बहुत सारे आभूषण, जब वो चंदन घिसती हैं तो वो सारी चूड़ियां आपस में टकराती हैं और बड़ा शोर हो गया वहां, इतनी आवाज। अगर 1000 रानियों में से 100, 200 या 300 ने भी अगर चंदन घिसना आरंभ किया होगा तो वहां तो पूरा क्या मच गया, हल्ला सा मच गया। एक तो बेचारे वो बुखार में पड़े थे और ऊपर से ये शोर,
तो उन्होंने जो अपने पास में बैठा हुआ व्यक्ति था उससे कहा कि भैया ये इतना शोर क्यों है, जाके पता तो करो। तो क्या करे जी, रानियां आपके लिए चंदन घिस रही हैं। तो क्या करे इतना शोर? करे हाँ, उनकी चूड़ियों का शोर है। तो क्या करे, जाओ उनको कहो कि इस शोर से मुझे बड़ी परेशानी हो रही है, बड़ी बेचैनी हो रही है, तो ये शोर क्या कर दो, बंद कर दो। वो व्यक्ति गया और रानियों के बीच में जाकर बोला कि जी महाराज, ये आपके चंदन घिसने से जो शोर हो रहा है, ये जो चूड़ियों की खनखनाहट है, इससे वो बड़े बेचैन हो रहे हैं। तो ऐसा करो, ये चूड़ियों की जो आवाज है इसे बंद कर दो। तो रानियों ने जैसे ही सुना, उन्होंने कहा कि चंदन भी घिसना है और आवाज भी नहीं होने देनी। तो उन्होंने क्या किया, सारी चूड़ियां उतारी और हाथ में एक एक कंगन रहने दिया और फिर से चंदन घिसना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। राजा ने देखा कि एकदम से ही आवाज क्या हो गई, बंद हो गई। जब आवाज एकदम से बंद हुई तो राजा को शक हुआ कि इन्होंने चंदन घिसना बंद कर दिया। उसने पूछा, करे भाई क्या बात हुई, देख के आओ रानियां चंदन घिस रही हैं या नहीं घिस रही। उन्होंने, तो मुझे लगता है कि सबने क्या कर दिया, चंदन घिसना बंद कर दिया। वो गया और देख कर आया, मुस्कुराता वो बोला, महाराज रानियां चंदन तो घिस रही हैं, तो क्या करे फिर ये शोर क्यों नहीं है, पहले तो बड़ा हल्ला आ रहा था। करे शोर इसलिए नहीं है क्योंकि अब रानियों ने केवल सुहाग चिन्ह के लिए एक एक कंगन हाथ में रखा है, और एक एक कंगन हाथ में रखने की वजह से अब वो शोर क्या हो गया, बंद हो गया। अब जब आपस में टकराहट ही नहीं तो कोई शोर भी नहीं। जैसे ही राजा ने सुना, अब एकदम से उसकी विचारधारा ही क्या हो गई, उसकी विचारधारा ही बदल गई, क्योंकि जहां एक है वहां कोई शोर शराबा नहीं है। यहां पर इस बात को, इस एक गीत की जो पंक्तियां हैं, बहुत बेहतर ढंग से बताया है कि एक अकेले आत्मभाव में नीरवता है बसती, पर भावों की भीड़ जहां है दुख की सरिता बहती, भावित हो एकत्व भाव से द्वंद की पीड़ मिटा लो। कि हम आते हैं अकेले, जीते हैं अकेले। ये जो सांसों का, अगर आपको जीना है तो अपने लिए सांस खुद लेनी होगी, अपने लिए भोजन खुद करना होगा, अपनी प्यास मिटाने के लिए पानी खुद पीना होगा। ऐसा नहीं है कि भैया भूख तो आपको लगी है और अपने पड़ोसी को कह दो कि भैया तू भोजन कर ले, मेरी भूख तो क्या हो जाएगी, मिट जाएगी। एक माँ तो हो सकती है कि अपने बच्चे का पेट भरने के लिए अपना भोजन भी क्या कर दे, त्याग कर दे। पर एक चीज याद रखिए कि किसी के भोजन करने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आपकी भूख मिटती है ना आपको पोषण मिलता है। और आखिरी में जिस दिन इस दुनिया से जाना होगा ना, उस दिन भी अकेले ही जाना होगा। क्यों? क्योंकि जो भी लिया है संसार से लिया है, और इस प्रकृति का नियम है कि भैया जो लिया है उसमें से एक परमाणु तक भी तुम क्या नहीं कर सकते, ले जा नहीं सकते। एक परमाणु भी तुम्हारे अधिकार में नहीं होगा, जितना लिया है उतना ही क्या करना होगा, वापस छोड़कर जाना होगा। अकेले ही यह यात्रा पुनः आरंभ करनी होगी, किसी और दिशा में, किसी और गति में, किसी और जाति में। तो अकेला आना, अकेला जीना, और अकेला अकेले ही चले जाना। फिर ये जो दुखेले होने की जो विधि है, ये जो द्वंद में जाने का है, ये परिवार बसाने का है, ये मेरा है ये मेरा नहीं है, ये अपना पराया करने का, ये बीच में जो हम केवल और केवल एक भ्रम जाल पैदा करते हैं, केवल और केवल एक मान्यता पैदा कर देते हैं, ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरे माता पिता है, ये मेरे रिश्ते नाते हैं, ये मेरा दोस्त है। मतलब ये है कि जहां आपका आना अकेला, रहना अकेला, जीना अकेला, मरना अकेला, वहां आप केवल और केवल दुकेले होने का एक बहम, एक मिथ्या भाव, एक मान्यता क्या कर लेते हैं, पैदा कर देते हैं। और यही मान्यता दुख का कारण भी है। दुख क्या है? सिर्फ और सिर्फ अपनी मान्यताओं की जब पूर्ति नहीं होती, जैसा मानते हैं वैसा नहीं होता, तो आप एकदम से क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो याद रखिए कि नमि राज ऋषि ने जब इस एकत्व भाव को महसूस किया, और इतनी शिद्दत से महसूस किया कि वहीं वो वैराग्यवासित हुए, और उन्होंने मन में सोच लिया कि ये बुखार ठीक होते ही मैं क्या कर लूंगा, दीक्षा ले लूंगा। और गजब ये हुआ कि जैसे ही मन में दीक्षा की भावना पैदा हुई, उसी रात ही उनका बुखार भी क्या हो गया, ठीक हो गया। दूसरे दिन सुबह होते ही उन्होंने कह दिया कि भैया अब मैं क्या करूंगा, साधु बनूंगा, और घर बार छोड़कर वो क्या हो गए, साधु बन गए। अब ये एकदम से झटका था, सभी के लिए झटका था। पहले तो उनकी 1000 रानियां, फिर उनके
बेटे वगैरह भी होंगे, इतना बड़ा परिवार था, उस सारे परिवार में कोलाहल सा मच गया। और फिर नमी राज ऋषि इतने प्यारे राजा थे, तो भैया नगर वासियों को भी पहले तो उनके बुखार की चिंता, और बुखार से उठे तो एकदम से क्या हो गए, सन्यासी बन गए, साधु बन गए। तो नगर में बड़ा कोलाहल मच गया, बड़ा हल्ला मच गया कि भैया ये क्या, हमारे महाराज एकदम से हमको छोड़कर चल दिए, एकदम से ही दीक्षित हो गए। तो वहां बड़ा हल्ला सा मचा हुआ था। कहते हैं कि देवलोक में भी इस घटना की चर्चा हुई कि नमिराज एकदम से क्या हो गए, दीक्षित हो गए। तो देवराज इंद्र ने देखा कि भैया एकदम से कल तक विषय वासनाओं में आकंठ डूबा व्यक्ति और एकदम से क्या हो गया, आज दीक्षित हो गया, आज साधु बन गया। ये बात समझ में, समझ से परे की है। तो वो एक ब्राह्मण का वेश बना के, एक ब्राह्मण का रूप रख के वो नमि राज ऋषि के पास आते हैं और नमि राज ऋषि से सवाल जवाब करते हैं। वो ये जो सवाल जवाब नमि और देवराज इंद्र के मध्य में वो जो प्रश्न उत्तर हैं, उन्हीं प्रश्नोत्तरों का वर्णन इस नमि प्रवर्ज्य अध्ययन में है। देवराज इंद्र सवाल पर सवाल करते चले जाते हैं। सवाल तो क्या करेंगे, वो भी कुछ बातें राजा के तहत, क्योंकि वो एक राजा हैं, तो कुछ कहते हैं कि भैया महल बना लो फिर दीक्षा ले लेना, अपने शत्रुओं को पराजित कर लो फिर दीक्षा ले लेना, यज्ञ हवन वगैरह करवा लो फिर दीक्षा ले लेना, दान दक्षिणा वगैरह दे दो फिर दीक्षा ले लेना, अपने परिवार का पालन पोषण कर लो फिर दीक्षा ले लेना। तो जितनी भी बातें नमि राज ऋषि से देवराज इंद्र कहते हैं, उन सब बातों का जवाब नमि राज ऋषि देवराज इंद्र को देते हैं। उन्हीं की ये आपसी वार्तालाप जो है, यही नमि प्रवर्ज्य अध्ययन का आधार है। अब हम पहले गीतिका लेंगे और उसके बाद मूल पाठ है। अनेकों जिस जगह पर दुख और संघर्ष है, एक एकाकी जहाँ पर आत्म का उत्कर्ष है, जीतना अंतर रिपु को श्रेय कर है सर्वदा, इच्छा रहित नमिराज की वैराग्य सच्ची संपदा, इच्छा रहित नमिराज की वैराग्य सच्ची संपदा। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, उत्तराधयन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, अमर लोक से च्युत हो नमिवर नर भव में है आते, उपशांत मोह के हो जाने से याद पूर्व की पाते, मिथिला के वे राजा बनते उनकी कथा सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। दारुण ज्वर से ग्रसित हुए नमि घोर वेदना पाते, हुए सभी उपचार राज्य में लाभ नहीं कर पाते, आखिर राय मिली राजा को चंदन लेप लगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। एक अकेले आत्म भाव में
नीरवता है बसती, पर भावों की भीड़ जहाँ है दुख की सरिता बहती। भावित हो एकत्र भाव से द्वंद की पीड़ मिटा लो, जीवन धन बना लो, जीवन धन बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो, सुना लो, जीवन धन बना लो, जीवन धन बना लो। दसवां सूत्र। कोलाहल का मैं नहीं कारण, सब सारथ को रोते क्रंदन करते पक्षी गण भी, जब जब वृक्ष को खोते। सीमित जनों का मोह छोड़ कर जग मैत्री अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो, सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन बना लो। ग्यारवा। मिथिला के जलने से यहाँ पर मेरा कुछ नहीं जलता, संयोगों से मुक्त भिक्षु का धर्म एक ही समता। एक अकेला आत्म अपना निज गुण को सरसा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो, सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। पंद्रवा। रण में जीते लाख सुभट पर वो नहीं जय कहता, आत्म शत्रुओं को जो जीते परम विजय हो पाता। इंद्रिय मन और चार कषाय को जीत के आनंद पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो, सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। सत्रवा। बाल तपस्वी का तप भी भले घोर हो कितना, मुनि धर्म के आगे नहीं वह कला सोलवी जितना। संयम में ही जीना मरना संयम भाव जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो, सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। इक्कीसवां। उत्तम तेरा मार्दव मुनिवर, उत्तम तेरी मृदुता, क्षमा
के रज धुल जाएगे, निश्चल धर्म वालों जीवन धन बना लो, जीवन धन बना लो वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन बना लो जीवन धन्य बनालो। अब मूल पाठ नमोथोनम समणस भगवो महावीरस चैवण देव लोगाओ उव वन्नो मानु सम्मी लोगम्मी उव संत मोहनिजो सरई पौराणियम जाई जाईं सरितुभयवं सह संबुद्धो अणुत्तरे धम्मे पुत्तम थवितुरज्जे अभिनिखमई नवीराय। सो देवलोक सरिसे अन्ते उर वर गौ वरे भोए भुंजितु नमीराया बुद्धो भोगे परिचयई मिहिलं सपुर जन वयं बल मोरो हम च परियणं सवं चेचा अभिनिखंतो एगंत महिठियो भयवं कोलाहलग भूयम आसी मिहिलाय पवयंतम्मी तैया राय रिसिम्मी नमिम्मी अभिनिखंतम्मी। अबुठियम राय रिसिम पव जाठान मुत्तमम सको महान रोवेणम इम वयनम किन्नु भो अज मिहिलाय कोलाहलग संकोला सुवंति दारुणा सदा पासाय सुगे सुये एयम मठम निसामिताय हो कारण चोई वो तव नमिराय रिसि देविंदम इनम अब मिहिलाय ये बच्चे सी अच्छा है मानो पत पुफ फलो वे बहुणम बहु गुण सया वायण ही रमाणम में चेयम में मानो रमे दुहिया असरणा अत्ता ए कंदन्ति भोखगा एयम मठम नि सामिता हे ओ कारण चोइयो तौ न मिराय रिसिम देविंदो इणम अबवे एसा गिय वाहु यए डज्जय मंदिरम भयव मन्ते उरम तेणम की समनाव पिख एयम मठम नि सामिता हे ओ कारण चोइयो तौ न मिराय रिसि देविंदम इणम अबवे सोहम वसामो जीवामो जे सिमनो अति किंचन मेहलाय डज्जमाणिये न मे डज्जय किंचन चत पुत्त काल तस निवावारस विकुणो पियम न विज्जय किंचि अप्रियम न विज्जय बहुम कोमोडिनो भद्दम मन गारस विकुणो सवाओ विपमकस इगंत मनो पसव एयम मठम निसामिता हे ओ कारण चोई तौ नमि प्राय रिसिम देविंदो इणम अब्बवे पागारं कारयितानं गोपुरट्टान गाणीय उस्सुलग सघ्यो तौ गच्छसि कतिया एयम मठम निसामिता हे ओ कारण चोइयो तौ नमि राय रिसि देविंदम इणम अब्बवे सद्दं नगरं किच्छातव संवरं अगरं कंतिम निवुण पागारं तिगुत्तं दुपधंसयं धनुं परकमं किच्छा जीवं च इरियं सयाधीं च कियणं किच्छा सच्चेणं परिमन्थिय तव नाराय जुत्तेण भित्तोणं कम कंचोयं मुनि विगय संगामो भवाओ परिमुच्छय एयं मठं निसामितहे कारण चोई तौ न मिराय रिसिम देविंदो इण पासाय कारयितानं वद्यमान ज्ञानये बालक पोयाउ यतौ गच्छसि खत्तिया एयं मठं निसामितहे कारण चोई तौ न मिराय रिसि देविंदम इणम अब्बवे
संसायं खलु सुकुणै जो मग्गे कुणै घरं जथेव गन्तुमिच्छे जा तत् कुविजसासयम् एयं मठं निसामित्ताय उकारण चोयो तौ न मिराय ऋषिं देविन्दो नमभवे आमोसे लोम हारेय गण्ठि भेयत करि नगरस खेमं पाऊणं तौ गच्छसि एयं मठं निसामित्ताय कारण चोयो तौ न मिम्रायसि देविन्दमभवि असायं तु मनुष्यं मिच्छादण्डोपौञ्जय कारिणोऽथ भजन्ति मुचै कारौ एयं मठं निसमितयो कारण चोयो तौ न मिम्रायसिं देविन्दोहिण के जे कैपथे वा तुझ्यं नानमन्ति नराहिवसेति ठावैतानं तौ गच्छसि खत्या एयं मठं निसामित्ता हे ओकारण चोयो तौ न मिराय ऋषिं देविन्दमिणमभवि जो सहस्रं सहस्राणं सङ्गामे दुर्जये जिणे गं जिणे जपाणं एषसे परमो जौ अपाणमेव जुझाए किं ते जुझेण बजौ अपाणमेव अपाणं जीणिता सुहमे हय पञ्चिन्द्रियाणि कोऽहं माणं मायं तहेर्लोहं च दुर्जयं जीव अपाणं सर्वमपि जीये जीयम् एयं मठं निसामितायो कारण चोयो तौ न मिन्द्राय ऋषिं देविन्दो इणमभवि जयिता विहुले जन्य भूयिता समण महणे दच्चा उच्चाय जिठाय तौ गच्छसि कतिया एयं मठं निसामितायो मितायो कारण चोयो तौ न मिराय ऋषि देविन्दमिणमभवि जो सहस्रं सहस्राणं मासे मासे गवं दयज्ञ सवि संयमो सेवो अदिन्त सवि किञ्चनं एयं मठं निसामितायो कारण चोयि तौ न मिराय ऋषिं देविन्दो इणमभवि घोरासमं जयताणं मद्मपथे सियासमं इहेव पुसहरौ भवाहि मणुयाहिव हेयं मठं निसामितायो कारण चोयि तौ न मिराय ऋषि देविन्दम् इणमभवि मासे मासे उजो बाले कुसगेणं तु भुञ्जय नयो सुयखाय धम्मस कलमघै सोलसिं हेयं मठं निसामितायो कारण चोयो तौ न मिराय ऋषिं देविन्दम् इणमभवि हिरण्यं सुवर्णं मणिमुत्तं कंसं दोसं च वाहनं कोसं वड्ढायताणं तौ गच्छसि कतिया हेयं मठं निसामितायो कारण चोयो तौ न मिराय ऋषि देविन्दम् इणमभवि सुवर्ण रूपस्य उपावया भवे स्याहु कैलास समा संखया नरस्य लोद्धस्य न ते किंचे इच्छाहु आगास समानंतिया पुडवी साही जवाचे वहिरन्नं पशुभिस्सह पड़ी पुण्यम नाल में गस ये विजातवं एयं मठं निसा मितायो कारण चोयो तौ न मिराय ऋषिं देविन्दो इणमभवि अक्षिरगम भुदय भूयि चयसि पथि वा असन्ति कामे पथिसि सङ्कपेण विहम्बसि हेयं मठं निसामितायो कारण चोयो तौ न मिराय ऋषिं देविन्दम् इणमभवि सल्लं कामा विषं कामा कामा आसि विशोभमा कामे अपथे मणा कामा जन्ति दुर्गाय आहे वायन्ति कोहेणं माणेणम् अहमगये माया गये पढि घाओ लोभाओ दुहाओ अवौ जीवने माहण रूपं विष्णु इन्दत्तं वन्दय अभि
थुणंतु इमाहिं महुराइं वगोहि अहो ते निजौ को अहो मानो पराई अहो ते निरखिया माया अहो लोहो वसिकाओ अहो ते अज्जवं साहु अहो ते साहु मद्दव अहो ते उत्तम खंति अहो ते मुक्ति उत्तम एहंसि उत्तमो भन्ते पेचाहो हिसे उत्तमो लोगुत्तम उत्तमं ठाणं सिद्धिं गच्छसि नीरव एवं अविद्धुणन्तो रायरिसिमुत्तमाय सद्धाय पयाहीणं करिन्तो पुणो पुणो वन्दाय सकौ तो वन्दियुण पाय चक्कं कुशलखणि मुनिवरस आगासेणुपये उत्ललीय चवलकुडलतिरीणि नमे नमे अपाणं सखं सखेण चोयि चयुण गेहं च विदेहि सामान्य पजुवट्टियो एवं करन्ति सम्बुद्धा पण्डित अपवेय खण विणीयटिन्ति भोगेषु जहसि न मे राय ऋषि वेमि दसमा अध्ययन द्रुम पत्रक द्रुम पत्रक अध्ययन द्रुम कहते हैं वृक्ष को पेड़ को और पत्रक पत्ते को कल भी कापिली अध्ययन के माध्यम से आपने सुना था कि कपिल को जो वैराग्य आया वो वृक्ष से पत्ते के गिरने के कारण आया द्रुम पत्रक अध्ययन जो है ये दुम पत्तये शब्द से आरंभ होता है इसकी जो पहली गाथा है और जो पहला शब्द है वो देखिए दुम पत्तये तो पहला ही शब्द है तो कई बार ऐसा होता है कि अध्ययन का जो पहला शब्द होता है उसी को ही अध्ययन का नाम बना देते हैं तो इसलिए इस अध्ययन का नाम क्या है द्रुम पत्रक है इस अध्ययन में भगवान महावीर ने गौतम स्वामी के माध्यम से हम सबको जीव मात्र को प्रमाद न करने का बारंबार उन्होंने सावधान किया है बार बार उन्होंने प्रेरित किया है बार बार उन्होंने एक ही प्रेरणा दी है अनेक प्रकार से एक ही बात कही है कि भैया ये सब कुछ हो गया है या ये हो चुका है या ऐसा होने वाला है तो इसलिए क्या ना करो प्रमाद मत करो जीवन पेड़ के पत्ते की तरह है जो एक दिन क्या हो जाएगा गिर जाएगा जीवन कोश के अग्रभाग पर टिके हुए जल के बिंदु की तरह है जो एक पल में मिट्टी में मिल गया तो फिर वापस वाष्प बन के उड़ जाएगा इसी तरह जीवन पानी के बबूले की तरह है कब मिट जाएगा इसलिए प्रमाद मत करो तो इसी प्रमाद मत करो ये बात भगवान ने इस अध्ययन के माध्यम से बार बार हमें समझाई है बार बार उन्होंने हमारे मन में बिठाई है तो हम पहले इस अध्ययन की गीतिका को लेंगे और उसके बाद मूल पाठ प्रमाद न हो पल का गौतम आयु नियत है नहीं द्रुम पत्रक सा है जीवन बात प्रभु ने है कही विषम पथ को छोड़ पंथी राज पथ को थाम ले रुक न जाना तट पे आकर पार पाना धार ले रुक न जाना तट पे आकर पार पाना धार ले वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य बना लो उतरा दयन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो जीवन धन्य बना लो जीवन वृक्ष पत्र सम जीवन नश्वर ओस बिंदु से आयो ऐसी ही गति मानव की है कोई नहीं चिरायो गौतम छोड़ प्रमाद को अब तो आत्म ज्ञान जगा लो
जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। अल्पकाल की इस आयु में विघ्न बहुत है आते, दूर करो संचित कर्मों को ज्ञानी जन चेताते। गौतम छोड़ प्रमाद को अब तो आत्म ज्ञान जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। पुण्यहीन चिरकाल यहाँ पर जन्म नहीं है पाते, कर्म बंद अति गाढ़े होते, गति गति तड़पाते। गौतम छोड़ प्रमाद को अब तो आत्म ज्ञान जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। ग्यारहवां सूत्र। कमल लिप्त न होता जल से वैसे ही तुम बनना, स्नेह छोड़ निर्लिप्त बनो अब बंधन सारे तजना। गौतम छोड़ प्रमाद को अब तो आत्म ज्ञान जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। पंद्रवा। पार किया है भवसागर तो ठहर गए क्यों तट पर, पाओगे एक दिन सिद्धि पद शपक श्रेणी को चढ़कर। गौतम छोड़ प्रमाद को अब तो आत्म ज्ञान जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। अब मूल पाठ। दुम्पत पंडुय जहा निवडय रायगणान अचय, एवं मणुयान जीवियं समयं गोयं मापमायै। कुसग्य जह ओस बिंदुए थोवं चिठय लंबमाणय, एवं मणुयान जीवियं समयं गोयं मापमायै। इतिरयं म्याउए जीवीय बहुपच्छवाय, विहुणा हिरयं पुरे कडं
समयं गोयं मापमा दुर्लभ खलु मानुषे भवे चिरकालेन विसव पाणिनं गाढाय विवागकं मुणो समयं गोयं मापमा पुणवी काय मै गौ उकोसं जीवो संवसे कालं संखाय समयं गोयं मापमाय आहु काय मै गौ उकोसं जीवो संवसे कालं संखायं समयं गोयं मापमाय तेउ काय मै गौ वाउ काय मै गौ उकोसं जीवो संवसे कालं संखायं समयं गोयं मापमाय वणसै कायमै गौ उकोसं जीवो संवसे कालमणन्त दुरुन्दयं समयं गोयं मापमा देन्दिय कायमै गौ तेन्दिय कायमै गौ चौरिन्दिय कायमै गौ उकोसं जीवो संवसे कालं संखिज्य सन्नियं समयं गोयं मापमाय पञ्चिन्द्रिय कायमै गौ उकोसं जीवो संवसे सतठ भवग्रहणे समयं गोयं मापमा देवे नेरये आय गौ उकोसं जीवो संवसे एक एक भवग्रहणे समयं गोयं मापमाय एवं भव संसारे संसरै सुहासुहेः कम्मेः जीवोपमाय बहुलो समयं गोयं मापमाय लद्धोण विमानुसत्तणम् आर्यत्तणं पुनराविदुल्लहं बहवेदसुयां लोकया समयं गोयं मापमा लद्धोण विहार्यत्तणम् अहीन पञ्चिन्द्रियाहुदुल्लह विगलिन्द्रियाहुदीशये समयं गोयं मापमाय अहीन पञ्चिन्द्रियन्तं पिशेलहे उत्तम धम्म सुहेहु सुदुल्लह कुतीर्थिनि सेवये जने समयं गोयं मापमा लद्धोण विवृत्तमं सुयिं सद्धणा पुनराविदुल्लह मिच्छत्तनि सेवये जने समयं गोयं मापमा धम्मं पिहु सद्धहन्तया दुल्लहया कायेण फासया एकाम गुणे मुच्छिया समयं गोयं मापमा परिजूरैते शरीरयं केशा पण्डुरया हवन्तिते शेषोय बलेयहाय समयं गोयं मापमाय से चक्षु बलेहाय से घाण बलेहाय से जिभ बले हायई से फास बले हायई समय से सव बले हायई समयम गोयम मापमायई अरहि गंडम विसोया आयंका विविहा फुसंतिते विहडाई विध्वंसैते शरीरयं समयं गोयं मापमाय उच्छिन्द सिणेहमप्पणो कुमयं सारयं वपाणियं शेषव सिणेह वज्ये समयं गोयं मापमाय चिच्चाण धनं च भार्यं पवयो हि स्यणगार्यं मावन्दं पुणो वियाये समयं गोयं मापमाय अवोज्यमित्तबन्धवं विवलं चेव धनो हसञ्चयम् मातं वियं गवेषये समयं गोयं मापमाय नहु जिणे अज्जदीशये बहुमय दिशये मगदेशिये सम्बैणे आवे पहे समयं गोयं मापमाय अवसोहि अकण्टगापहं
ओइन्नो हिस्पहं महालयं गच्छसि मग्गं विसोहिया समयं गोयं अवलेजः भारवाहै मामग्गे विषमे वहाहिया पच्छा पच्छाणुतावये समयं गोयं तिन्नो हुसि अन्नवं महं किं पुणचिट्ठसि तीरमागौ अभितुर्पारं गमितये समयं गोयं अकले वरे सेणि मोसिया सिद्धिं गोयं लोयं गच्छसि खेमं च शिवं मनोत्तरं समयं गोयं बुद्धि परिनिवुडे चरे गामे गैणगरे वसंजवे सन्दे मग्गं च वोहये समयं गोयं बुद्धस्य निसंभाषियं सुखह्यमठपोऽवसोह्यं रागं दोषं च छिन्दिया सिद्धिं गयिं गये गोयमेति। आज की वाचना यही विराम पाती है। अब हम सभी आलोचना सूत्र का पठन करेंगे। श्री आगमे तिविहे पन्नत्ते तंजहा सुत्तागमे अत्थागमे तदुभयागमे ये हवा श्री ज्ञान के विषय जो कोई अतिचार लगा होते में आलो जम्वाइदम वच्चामेलियम हिणखरम अचखरम पयहिणम विनयहिणम जोखिणम घोषेणम सुठोतेनम दुठोपरिच्छिन्नम अकाले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ असज्जायम सज्जायम सज्जायम न सज्जायम तस्मिच्छामि दुःखदं तस्मिच्छामि। आप लोग हमारे सुविज्ञ समयज्ञ आत्मज्ञ प्रबुद्ध मनीषी मुनि रतन श्री ऋषि मुनि जी महाराज साहब के मुखारविंद से भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के आप वाचना का आनंद ले रहे थे। हम सभी आगम के इस आनंद का पान कर रहे थे। अगर महसूस कर सको तो इतना ही महसूस करना, ये पल ये क्षण जो जिनवाणी के सानिध्य में बिताए हैं यही पल हमारे लिए अनमोल है, बहुमूल्य है। इन्हीं अनुमोदना के साथ पहले तीन बार ओम का उच्चारण करें, उसके लिए कमर सीधी चित्त शांत आंखें कोमलता से बंद गहरा श्वास ओ
शांति शांति शांति। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी के, बोलिए दिगंबर आचार्य पूज्य श्री विद्यासागर जी महाराज के, बोलिए मंदिर मार्गी आचार्य श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज के, बोलिए स्थानक वासी आचार्य सम्राट श्री शिवमणि जी महाराज के, बोलिए तेरा पंथ आचार्य पूज्य श्री महाश्रमण जी महाराज के, बोलिए जैन धर्म की, बोलिए श्रमण संघ की। सबसे पहले मेरे जीवन निर्माता सद्मार्गदाता सद्गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूं। आध्यात्मिक चात्रमास 2018 के निमित्त इस गोड़वाड़ भवन में विराजमान मेरे सरल आत्मा महाश्रमण भंते श्री पारस मुनि जी महाराज साहब, मेरे उपाध्याय प्रवर संघ सेतु पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, इन दोनों गुरु भगवंतों के पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। मेरे तपस्वी श्री ऋषभ मुनि जी महाराज सहित समस्त प्रिय मुनिराज एवं उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं माताओं तथा बहनों, आप सभी का अहिंसा समोसरण के इस पावन प्रांगण में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। राजा हरिश्चंद्र के चरित्र में प्रवेश करें। इस कलयुग के अंदर सतयुग में हुए उस महापुरुष की जीवन गाथा श्रवण करने मात्र से और इस कथा को सुनते सुनते अगर कहीं भी हमारे और तुम्हारे अंदर झूठ और असत्य है, उस झूठ और असत्य की अगर आलोचना हो जाए वो भी भावों के साथ, तो इतने मात्र से आपकी और हमारी कर्मों की निर्जरा हो सकती है। कर्मों को निर्जरित करने के लिए पहले ये पद गुनगुनाते हैं फिर प्रवेश करते हैं। धर्म न दो जा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, साची बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय प्रभु आप, सतमत छोड़ बावरे, सत छोड़ा पत जाए, सत की
बंधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए तप बल से भी सत्य का बल है अपरम पार हरिश्चंद्र के सत्य के सुनिए अब झनकार वह सत्यवादी हरिश्चंद्र एक पल में बना भिखारे मर घट में बिक गया राजा बिक गए तारा रानी वो अटल रहे धर्म पे फिर हो गए सब आसानी हम भूल गए हैं जिनको जरा याद करो कुर्बानी जिन धर्म के प्यारे लोगों यह सुन लो अमर कहानी हम भूल गए हैं जिनको जरा याद करो कुर्बानी बोलिए सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की। कल आप लोग सुन रहे थे ये प्रसंग उन्हीं के लिए महत्वपूर्ण है जिनके अंदर दिल धड़कता है जो धर्म को महसूस करते हैं जो सत्य का अनुसरण और अनुकरण करते हैं जिनकी धड़कने सत्य के आधार पर चलती है आत्म भाव के आधार पर गतिमान होती है उन्हीं धड़कनों से जुड़ा हुआ किस्सा जिसका नाम है राजा हरिश्चंद्र। कल आप सुन रहे थे कि सब कुछ दान देकर महल में आया है महल से पता चला कि रानी बगीचे में है और वो अपने बच्चे से बतला रही है अपने बच्चे के लिए सुनहरे सपने देख रही है और उन सपनों की कल्पना को करते हुए राजा की आंखों में भावुकता के आंसू आ जाते हैं और उन आंसुओं को पूछने के लिए जैसे ही हाथ उठाया तो हाथ लताओं से टकरा जाते हैं लता से जब हाथ टकराए तो आवाज होती है और आवाज जब हुई तो देखा पीछे मुड़कर कि राजा हरिश्चंद्र खड़े हैं तो अपने बच्चे से कहा कि चलो उठते हैं हमारी बातें सुनने के लिए कोई आए हैं और वो भी चोरी चोरी आए हैं यहां तक आपने सुना था। अब आगे क्या बोलती है रोहित से चल रोहित चल महाराज अब तक ना स्वर्ण मृगुस सुलाए किंतु देख चुपके से तेरा खेल देखने को आए चल रोहित चल तेरे पिताजी है ना तेरे लिए मैंने एक सोने की पूंछ का हिरण मंगाया था वो तो लाए नहीं हाँ और तेरा खेल चुपचाप देखने के लिए आए ये कोई अच्छी बात कोई है ऐसे कह करके तारा रोहित का हाथ पकड़ करके चलने लगी और रोहित मां का हाथ छुड़ाकर पिता की तरफ दौड़ने लगा तारा जो ही रोहित का कर
पकड़ अलग को चलती है, बाल मूर्ति कर छुड़ा पिता की ओर विहंसती बढ़ती है। हरिश्चंद्र ने उठा गोद में सुत का स्मित मुख चूम लिया, तारा हंसकर बोली मेरा रोहित भी लो छीन लिया। अच्छा ले लो पुत्र आपका मैं एकाकी रह लूंगे, देख किंतु रोहित फिर अपने पास नहीं आने दूंगी। जैसे ही हाथ पकड़ करके चलने लगती है तारा रोहित का, तो हाथ छुड़ा करके पिता की तरफ दौड़ता है और पांव से लिपट जाता है, उसको उठाता है, उसका मुख चूमता है, अपने कलेजे से लगा लेता है। यह दृश्य जब देखती है महारानी तारा तो उस वक्त हास्य में विनोद के स्वर में क्या बोलती है, लो जी आपने तो हमारा पुत्र भी छीन लिया। हां भाई आपका ही तो अंश है, आपका ही तो खून है, ले लो। पर देख रोहित, अब हम तुमको अपने पास आने नहीं देंगे। हाँ अब हम अकेले रहेंगे, तुम बाप और बेटे एक साथ रहो, अब हम अकेले रहेंगे। ये केवल उन्होंने मजाक में बोला था, लेकिन कभी कभी जिंदगी कुछ बातें हमारे मुख से कहलवा देती है। जब ये बात सुनी, ये कहकर के जब तारा मचलती हुई या इठलाती हुई जब आगे की तरफ बढ़ गई, कहकर जो जब चली विहिंसती विद्युत रेखा सी तारा, भूपति कृत्रिम स्मित कर बोले संचय कर निज बल सारा। जब वो हंस करके चलने लगी तो उसको अकेले जाते हुए देख करके ऊपर से मुस्कुराते हुए लेकिन अंदर हिम्मत भरते हुए हरिश्चंद्र ने अपना दिल का दर्द बयां किया। हाँ तारा तुम जाओ अब तो, हाँ तारा तुम जाओ अब तो, तुम्हें अकेले रहना है, यह विनोद का समय न कुछ जो कहना सच्चा कहना है, आज हृदय की रानी तुमसे विदा मांगने आया हूँ, पता नहीं अब कब मिलना हो, अंतिम मिलने आया हूँ। एकदम कहा तारा जाओ, जो तुमने कहा है वो सही कहा है, अब तुमको अकेले ही रहना है, अकेले ही रहना है। ये मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं, जो कह रहा हूं वह सत्य बोल रहा हूं। आज मैं तुमसे आखिरी बार मिलने के लिए आया हूं, अब पता नहीं ये जिंदगी हमें दोबारा मिलाए ना मिलाए। जब हरिश्चंद्र की आवाज भर्रा गई, जो तारा अभी मचलती हुई जा रही थी, एकदम उसके कदम वहीं ठिठक गए और पीछे जब मुड़कर देखा, तारा का दिल दहल गया। तारा स्तब्ध हुई क्रीड़ा और कौतुक पल में नष्ट हुए, देखा पति के मुखमंडल पर ग्लानि भाव को दृष्टि हुए, हरिश्चंद्र के मुख पर गहरी करुणा की तमसा छाए, श्रावण में शशधर मंडल पर जैसे श्याम घटा छाए, कातर गति से तारा ने आ
हाथ पकड़ पूछा प्रियतम क्या कारण क्या हुआ बताएं, हृदय भयाकुल कंपित मम एकदम ठिटक गई। पीछे मुड़कर देखा हरिश्चंद्र का चेहरा मुरझाया हुआ, आंखें आंसुओं से भरी हुई, होठ कांपते हुए, क्योंकि इससे पहले ये चेहरा उसने अपने पति का नहीं देखा था। उस चेहरे को देखते ही समझ गई कि मामला कुछ गड़बड़ है। एकदम अपना मजाक भूल गई, दौड़ करके आई, अपने स्वामी का हाथ पकड़ लिया, आंखों में आंखें डालकर पूछने लगी, कहने लगी, बात क्या है? मैंने इससे पहले ये आंखें आंसुओं से भरी हुई नहीं देखी थी, मेरा दिल डर रहा है, क्या हो गया बताओ तो सही, हुआ क्या? हरिश्चंद्र नारी की कोमलता को जानता था कि पता नहीं जो मैं करके आया हूं उसकी सूचना सुनते ही कहीं इसका दिल ना टूट जाए। अगर इसका दिल टूट गया तो मैं अपने पति धर्म से भ्रष्ट हो जाऊंगा। वो कहती रही बोलो तो सही, क्या हो गया आखिर? तब वो कहता है रानी बस क्या सुन कर लोगी, तुम न सहन कर पाओगी इस अनर्थ का, सूत्रपात भर सुनते ही डर जाओगी। क्या करोगी सुनकर? तुम नहीं सुन पाओगी। तुम उसकी जब मैं शुरुआत करूंगा, शुरुआत ही तुमको बहुत डरावनी लगेगी। ये सुनते ही देखिए एक औरत का क्या जवाब है। इसको कहते हैं धर्मपत्नी, यही होती है धर्मपत्नी। क्या बोलती है? डरने की क्या बात आपकी, दासी हूं मैं भी स्वामी, वीर क्षत्रिया बाला हूं मैं, श्री चरणों की अनुगामी, समझ चुकी हूं मुख मुद्रा से कोई दुखद घटना है, किंतु नाथ क्या दुख के कारण जीवन से मर मिटना है, दुख दुख है जब आता है सहन किया ही जाता है, नर जीवन में धूप छांव सा सुख दुख का चिर नाता है, सह न सकी यदि सारा दुख तो आधा निश्चित सह लूंगे, मैं हूं अर्ध अंगनी स्वामी धीर दुख में रह लूंगी। उनके आंसू अपनी अपने हाथों से पूछ करके कहा कि स्वामी आपको किस बात का दुख है? और सुनो, दुख में इस तरह रोया नहीं करते बहादुर लोग। मानती हूं कि दुख में बड़ा दर्द होता है, लेकिन दुख के दौरान ही किसके अंदर कितना धीरज है उसकी परीक्षा होती है। दुख में घबराना नहीं चाहिए। और तुम समझते हो कि मैं कायर हूं? अगर आपको किसी छत्रानी ने जन्म दिया है तो मुझे भी किसी छत्रानी ने जन्म दिया है। मेरी मां भी कोई कायर और बुजदिल नहीं थी, वो भी छत्रानी है। यानी इस दृष्टि से जिस मां के पेट से तुम पैदा हुए हो वैसी ही मां के पेट से मैं भी पैदा हुई हूं, ये तो मुझे समझ में आ गया है कि मामला कुछ टेढ़ा है, क्योंकि मैंने कभी आपको इतना उदास जिंदगी में नहीं देखा।
आपके चेहरे से पता चलता है कि मामला बहुत बड़ा है, लेकिन मामले को इतना बड़ा नहीं बनाना कि मामला हमारे ऊपर हावी हो जाए। ये बहुत बड़ी बात कही कि दुख को कभी इतना बड़ा मत होने दो कि दुख हमें दबोच ले। दुख को इतना छोटा कर दो अपनी मुस्कुराहट से, अपनी हिम्मत से, कि दुख भी ये सोचे कि मैं किसके पल्ले पड़ गया। दुख भी सोचने को मजबूर हो जाए कि मैं किसके पल्ले पड़ गया। क्योंकि पाप कर्म का जब उदय होता है तो पाप ये समझता है कि अब ये रोएगा, तड़फेगा, गिड़गिड़ाएगा, क्योंकि पाप का फल दुख होता है। लेकिन दुख में जब कोई दुखी नहीं होता तो पाप की अकड़ वहीं निकल जाती है। यही कहा उसने कि दुख और सुख का जिंदगी में एक रिश्ता है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह तो मैं नहीं कह सकती कि मैं आपके सभी दुखों को सहन कर लूंगी, लेकिन इतना अवश्य कह सकती हूं कि उन दुखों के पहाड़ में से आधे दुख को मैं अपने कंधों पर ले लूंगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूं। बोलो तो सही, बात क्या है? जब अपने पत्नी से इतनी मजबूती से भरा हुआ वक्तव्य सुना, उसके चेहरे पर तैरती हुई धीरता और गहनता और गंभीरता को जब हरिश्चंद्र ने देखा, वाह, हिम्मत आ गई। जिसमें इतनी हिम्मत है वही इस दुख के जहर को पचा सकता है, इस कष्ट गरल को हजम कर सकता है। तब वो कहते हैं, तारा तुझसे कहां छिपाऊं, तू साथिन है जीवन की, ब्याह काल से जुड़ी हुई है कड़ियां अचल युगल मन की। कौशिक ऋषि ने आज सभा में राज्य दान मुझसे मांगा, मैंने भी कर्तव्य विवश सर्वस्व उसी क्षण में त्यागा। तारा कुछ भी कहो, त्वरा में ध्यान नहीं आया तेरा, रोहित से सुत को भी भूला, आग्रह ने मन को घेरा। कहा कि तुझसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, और छुपा भी सकता नहीं, जो हो चुका है वो बताना ही पड़ेगा। मैं बता रहा हूं कि आज महर्षि विश्वामित्र ने भरी सभा में आकर के मुझसे राज्य का दान मांगा कि ये राज्य जिसके ऊपर तू राज्य करता है, जिस सिंहासन पर तू बैठा है, ये सिंहासन मुझे दे। एक इतना बड़ा ऋषि कुछ मुझसे मांगे और मैं ना दे पाऊं, जो मेरे पास है उसे मैं ना दे पाऊं, ऐसा नहीं कर सकता था मैं। मैंने तो उसी समय सब कुछ दे दिया, सब कुछ। बस उस वक्त मैं इतना भावुकता में आ गया, अपने धर्म के लिए, अपने राजधर्म की पालना करने में इतने दूर तक चला गया कि उस वक्त ना तू नजर आई और ना ये रोहित नजर आया। ऐसा कहकर के वो सामने खड़ा हो गया और ये सुनते ही तारा जोर जोर से हंसने लगी, खिलखिला करके हंसने लगी और हाथ अपने माथे पे मारा, हे भगवान, हृदयेश्वर क्या इसी बात की। देखो, इसको कहते हैं बहादुरी, और क्या जवाब दिया है उस महारानी ने, इसको कहते हैं धर्म पत्नी। अगर बीबी होती तो जवाब कुछ और होता, और धर्म पत्नी है तो ये जवाब होता है धर्म पत्नी का।
धर्म पत्नी वो होती है जो पति के धर्म के साथ खड़ी रहती है, और बीबी वो होती है जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए किसी आदमी से रिश्ता जोड़ती है, वो बीबी कहलाती है। हृदय स्वर क्या इसी बात की दुख घटाए छाई है, मैंने तो समझा था कोई विपत अचानक आई है, कौशिक को साम्राज्य दिया इससे तो हर्ष बड़ा भारी, सूर्य वंश की रही सुरक्षित चिर रक्षित महिमा सारे, याचक बनकर ऋषिवर आए देना ही सर्वोत्तम था, दान पात्र भी भाग्य योग से मिला महान महत्तम था, आज गर्व से मेरा मस्तक ऊपर उठता जाता है, दानवीर पति सर्वोत्तम पा हर्ष न हृदय समाता है, रोहित की क्या चिंता वह तो योग्य पिता का योग्य तनय, सब कुछ पाएगा निज बल से आने दो वो उचित समय। कि बस ओहो, मैंने तो समझा था कोई बहुत बड़ा मुसीबत का पहाड़ टूट गया, खोदा पहाड़ और निकली चुईया, इसके ऊपर इतना चेहरा टांग रखा है, इस बात के ऊपर इतना चेहरा उतार रखा है। आज तुम्हें क्या बताऊं स्वामी, मेरा हृदय गर्व से कितना भर गया है, मैं अपना हृदय चीर कर नहीं दिखा सकती कि आज मुझे कितना फक्र, कितना गर्व, कितनी गौरवानुभूति हो रही आपसे कि एक ऐसे दानवीर पति को पाकर के केवल मैं ही सौभाग्यवती नहीं हुई हूं, बल्कि आज संपूर्ण सूर्य वंश की यश संपदा का संरक्षण हुआ है। और रही रोहित की बात, इसकी चिंता मत करो और एक ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो कि हम किसी को पालते हैं, अगर ख्याल लाओ तो ये ख्याल लाना कि हर कोई अपनी किस्मत लेकर के पैदा होता है, हर कोई अपनी किस्मत लेकर के पैदा होता है। और ये मैं कहती हूं, समय आने दो, जिसको तुम केवल बच्चा कह रहे हो, ये अपने योग्य पिता का ऐसा तनय, ऐसा पुत्र है कि स्वामी ये आपसे भी दो बिलांद आगे जाने वाला है। और ये कहकर के तारा ने अपने रोहित के गालों को थपथपाते हुए बोला, क्यों बेटा, कष्ट से घबराओगे तो नहीं? नहीं मां, बिल्कुल नहीं। देखा, ये है बहादुर की औलाद, इसमें है आपका खून, इसमें है एक मां के संस्कार। इस दृश्य को देखकर हरिश्चंद गर्वानुभूति से भर गया, एक बात और कह दी कि मैं सब कुछ दे चुका हूं, कुछ भी नहीं है, यहां तक कि एक समय का भोजन करने का भोजन भी अब हमारे पास नहीं है, और ऊपर से 1000 स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा में बोल चुका हूं, जो मेरे पास एक कोड़ी नहीं है। जब इस दान की बात सुनी, ये तो और भी बड़ी बात है, कहा कि छोड़ो, मैं अब तुमको तुम्हारे पिता के घर छोड़ने का इंतजाम करता हूं। ये बात किसने कही? हरिश्चंद्र ने। और ये बात सुनी तो तारा किस तरह तड़फ उठी, ये अब आपका समय हो गया है, और कल हम देखते हैं रानी ने क्या जवाब दिया, क्या संकल्प किया, और किस प्रकार राज्य से जब विदाई होती है वो दृश्य क्या होता है,
इसको देखने के लिए और महसूस करने के लिए कल एक बार फिर आइएगा। वीर नाम के हेरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारे आखिर वो कंगाल हुए हो, दौलत के जो बने पुजारे आखिर वो कंगाल हुए, सोना चांदे वालो सुन लो, लोहे कपड़े वालो सुन लो, बेंगलोरो वालो सुन लो, बात सुनाओ खरे खरे, ले लो रे कोई राम का प्यार, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। भगवान महा